फॉर प्राइड क्लब समूह द्वारा इंटर स्कूल डांस प्रतियोगिता का आयोजन नागपुर स्थित साई सभागृह में किया गया था। इस समय 24 प्राइड ग्रुप का उद्घाटन भी मौजूद मान्यवरों द्वारा किया गया। इस आयोजन में कुल 10 स्कूलों ने हिस्सा लिया, जहां इस प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति की झलक यह थीम रखी गई थी। उसी अनुरूप सहभागियों ने भरतनाट्यम, कालबेलिया नृत्य एवं भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति नृत्य के माध्यम से पेश की। इस कार्यक्रम का आयोजन ऋचा जैन की अगुवाई में 24 प्राइड क्लब के तत्वावधान से किया गया था, जहां विशेष रूप से ब्रिगेडियर के आनंद, पुलिस उपायुक्त अनुराग जैन, दत्ता मेके शिक्षण संस्था के प्रो चांसलर डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, बार काउंसिल महाराष्ट्र के चेयरमैन आसिफ कुरेशी, डॉक्टर धर्मा ममतानी, पूर्व नगर सेविका परिणीता फुके, पूर्व नगर सेविका प्रगति पाटिल तो वहीं पंच के तौर पर एकता भैया दिनेश आदि विशेष रूप से मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 21,000, द्वितीय को 11,000, तृतीय को 7,000 तो वहीं 2100 रुपए के 3 सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए, जहां SOS स्कूल ने प्रथम तो सेंट क्लारेंट स्कूल ने द्वितीय और तृतीय स्थान द जैन इंटरनेशनल स्कूल ने हासिल किया है। वहीं सेंट पॉल स्कूल, अरविंद पब्लिक स्कूल, BKCP स्कूल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस समय कार्यक्रम की आयोजिका डॉक्टर ऋचा जैन ने कार्यक्रम के विषय में हर्ष व्यक्त किया है। दर्शकों, 24th प्राइड क्लब द्वारा आयोजित इंटर स्कूल कंपटीशन, यहाँ कंपटीशन हुआ, काफ़ी जो है विभिन्न स्कूलों के बच्चे आए थे, बड़ी ही दमदार जो है परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पूरे प्रोग्राम की आयोजिका बोल सकते हैं ऋचा जैन मैम। मैम, कैसा लग रहा है आपको, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं, किस प्रकार का आयोजन था और किस प्रकार की पूरी प्लानिंग आपने की थी? 24 स्टार प्राइड क्लब एवं NBCN न्यूज चैनल द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि यह एक वो बच्चे जिनके अंदर बहुत प्रतिभाएं होती हैं, पर वो प्रतिभाएं वो उनके स्कूल में दिखा पाते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलता जब वो इंटर स्कूल में अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके। तो आज ये प्लेटफॉर्म हमारे सारे डायरेक्टर ने मिल के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हमारे पास लगभग काफ़ी सारी एंट्रीज आई, पर उसमें से 11 एंट्रीज को हमने वीडियो के थ्रू सेलेक्ट किया और उन एंट्रीज को आज यहाँ पर परफॉर्मेंस देने का मौका मिला। इस आयोजन में आज बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोग्राम में हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, जिनका दौर का रिसोर्ट का आज बहुत अच्छा हमको सपोर्ट मिला। इवन वंदना बेंजामिन जो हमारी फ्रेंड है, उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल को आज यहाँ पे इनवाइट किया, साथ में अंकुश की पूरी टीम यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिला, बचपन स्कूल का सपोर्ट मिला, संदीप एकेडमी का सपोर्ट मिला, RS एकेडमी का सपोर्ट मिला। तो ये एक बहुत बड़ी इवेंट था, और आज ये मैं मानती हूँ कि जैसे वुमेन्स अचीवर अवार्ड में सालों से करती आ रही हूँ, ऐसे भी 24 स्टार प्राइड क्लब आगे भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता रहेगा। आज हमारे सारे डायरेक्टर यहाँ पर हमारे साथ में हैं। मैडम, जिस प्रकार से जो है 24th प्राइड क्लब का जो है आज उद्घाटन भी हुआ है, बोल सकते हैं यहाँ विमोचन भी काफ़ी जो है सर्टिफिकेट्स का हुआ है, इसके पीछे का क्या रीज़न था, क्या थी भावनाएं? देखिए, आज सबसे बड़ी बात है, आज हमारे बीच में गेस्ट बहुत अच्छे थे। आज हमारे बीच में ब्रिगेड आनंद सर यहाँ पे उपस्थित थे, आज हमारे पास IPS ऑफिसर अनुराग जैन यहाँ पर उपस्थित थे, वेद प्रकाश मिश्रा जी उपस्थित थे, आशिफ कुरेशी जी द्वारका रिसोर्ट के आनर थे, प्रगति पाटिल जी आज उपस्थित थी यहाँ पे, साथ में प्रणीता फुके वो उपस्थित थी, और हमारे डायरेक्टर नीलिमा बामने, विजय वर्मा जी, डॉक्टर ममतानी जी, अपना आनंद जामण सभी आज यहाँ पर उपस्थित थे। इनके बीच में हम लोग ने एक मीटिंग लिया था, और उसमें एक डिसाइड किया था, जिस तरह से 24 लीडर्स हम लोग हैं, अब हम एक बिजनेस क्लब के रूप में सामने आ रहे हैं, पर ये बिजनेस नागपुर का एक यूनिक क्लब होगा जिसमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इस बिजनेस क्लब को चलाएगी। और जो भी आज हमारे साथ अभी तक जुड़ना चाहते थे कि मैं आज 24 स्टार क्लब से जुड़ना चाहता हूं, पर वे जुड़ नहीं पा रहे थे, तो हमने एक प्लान बनाया है, डेट इज़ द ईयरली कैलेंडर, कि जो भी हमारे बिजनेस क्लब का मेंबर बनेगा बहुत कम इकोनॉमिक बजट में वो एक डोनेशन के थ्रू मेंबर बनेंगे, और होल ईयर तक उनको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग अपने साथ कंडक्ट करेंगे, और एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा हम ग्रुप गैदर करेंगे। और इसी के साथ एक वुमेन्स अचीवर अवार्ड का फ्लायर का जो 10 ईयर से मैं लगभग वुमेन्स सॉरी जैसे 11th ईयर से मैं वुमेन्स अचीवर अवार्ड कर रही हूँ, दिस इज द 12th ईयर की वापस हमने एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, पहले नागपुर में देती थी, विदर्भ में देती थी, इस बार हमारी टाइटल होगी आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग कि हमारी वुमेन्स जो परफॉर्म करेंगी उनको पूरा सेंट्रल इंडिया का टाइटल हम लोग वक्त करेंगे।
दर्शकों, जिस प्रकार से जो है काफ़ी अच्छी संकल्पनाएं ला कर आए हैं 24th प्राइड क्लब, साथ ही साथ हमारे साथ जो है विनर्स मौजूद है जिन्होंने प्रथम पुरस्कार इस इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हासिल किया है। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं प्राइड क्लब द्वारा 24th प्राइड क्लब द्वारा इन्हें 21,000 का जो है प्राइज़ दिया गया है, प्रथम प्राइज़। तो क्या कहना चाहेंगे बेटा, आप जीते हैं आज इतना बड़ा जो है पुरस्कार, आपको प्रथम पुरस्कार आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो कुछ भी हुआ है वो हमारे सर की वजह से हुआ है, तो पूरा जो श्रेय वो हमें हमारे सर को देना चाहिए। व्हाट्स अप गाइस। यस, इस वक्त जो है स्कूल के जो है टीचर भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चों ने जो है प्रथम स्थान यहाँ प्राप्त किया है। सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे टीम को और 24th प्राइड क्लब की तरफ से जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, काफ़ी अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और जो प्राइज मनी और जो बच्चों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाया गया, अदर स्कूल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो ये अच्छा एक इंटर लेवल ग्रांट कॉम्पिटिशन से कहाँ कहते हैं, तो काफ़ी अच्छा है, बच्चों ने इन्जॉय किया और थैंक्स टीम के लिए जो हमें इन्वाइट किया उन्होंने और हमको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला, बस इतना कहना चाहूँगा। दर्शकों, शुक्रिया का सिलसिला तो ऐसा ही चलता रहेगा। दर्शकों में से स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस करना सबसे बड़ी बात होती है। जिस प्रकार से 24th प्राइड क्लब द्वारा 3 कॉन्सोलेशन प्राइज और साथ ही साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऐसा जो है पुरस्कार दिया गया है, जिसकी धनराशि थी प्रथम पुरस्कार की 21,000, वही द्वितीय पुरस्कार की 11,000, तो तृतीय पुरस्कार की 7,000, साथ ही साथ 3 कॉन्सोलेशन प्राइज दिए गए जिनकी की 2100 रुपये ऐसी जो है कॉन्सोलेशन प्राइस थी, काफी स्कूलों ने इन्हें जीता है। SOS जो स्कूल है उसने प्रथम क्रमांक यहाँ जो है प्राप्त किया है, साथ ही साथ जो है इसी स्कूल की जो है कई गतिविधियां 24th प्राइड क्लब आगे भी करेगा, तो देखते रहिए किस प्रकार से जो है इसका असर पड़ता है समाज पर, साथ ही साथ यहाँ जो है कल्चरल प्रोग्राम जिस प्रकार से है, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है देश में एक देशभक्ति का संदेश भी जा चुका है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।